हेलो डियर स्टूडेंट्स, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर से बड़ी अपडेट आप सबके लिए आ रही है। जी हाँ बच्चों, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के द्वारा आपकी परीक्षा कार्यक्रम में काफी बड़ा बदलाव किया गया है। तो आइए बच्चों, वीडियो को जानने से पहले सबसे पहले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ रहे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको यूनिवर्सिटी से संबंधित हर एक इन्फॉर्मेशन को तुरंत अपडेट दे दिया जाएगा। आइए बच्चों, आज की इन्फॉर्मेशन को स्टार्ट करते हैं। पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के द्वारा जो आपकी परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव किया गया है, आइए उस पर आज बात करते हैं। सबसे पहली बात, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के द्वारा कल जो एक नोटिस जारी किया गया है, उसमें तीन बिंदुओं पर बात की गई है। फर्स्ट बिंदु की बात करें जो आप सबके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और वही आप सबके लिए इंपॉर्टेंट बाकी जो सेकंड और थर्ड पॉइंट है वो यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल कर सकते हैं कॉलेजेस के लिए, ऑफिशियल वर्क के लिए होते हैं, बाकी जो फर्स्ट पॉइंट है वो आप सबके लिए। जो अभी तक आपके परीक्षा कार्यक्रम मॉर्निंग का जो पेपर होता था, जो कह सकते हैं आपका अभी तक मॉर्निंग का एग्जाम हुआ करता था, जो एग्जाम टाइमिंग कितनी थी 7:30 AM टू कितने थे 10:30 AM। जी हाँ बच्चों, जो आपके फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जाम हुआ करता था 7:30 AM टू 10:30 AM, अब ये परीक्षा कार्यक्रम अब आपका नहीं होगा। आपको फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जाम होगा यूनिवर्सिटी के द्वारा 9 AM टू आप कह सकते हैं 12 AM, 9 AM टू 12 PM कर दिया गया है। जी हाँ बच्चों, ये आपके परीक्षा कार्यक्रम में काफी बदलाव किया गया है कि जो आपके फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जाम हुआ करता था, जो 7:30 AM टू 10:30 AM हुआ करता था, अब वो या एग्जाम टाइमिंग ना होकर अब आपका 9 AM टू 12 PM होगा। अब बात करते हैं ये परीक्षा कार्यक्रम कब से अप्लाई होगा, तो ये 27 अप्रैल से ये परीक्षा कार्यक्रम अप्लाई हो जाएगा। मतलब जिन जिन बच्चों का बुधवार को एग्जाम होगा, कब बुधवार को एग्जाम होगा, उन सबको 7:30 बजे न जाके कितने बजे जाना होगा, 9 बजे से 12 बजे तक आपका एग्जाम होगा। अब देखिए फर्स्ट शिफ्ट में अगर हम बात करें तो फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम किन किन बच्चों का होता है, फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्जाम होगा वो आप कह सकते हैं जितने भी यूजी थर्ड ईयर के बच्चे होंगे, यूजी थर्ड ईयर के और उसके साथ साथ जो पीजी फर्स्ट ईयर के बच्चे होंगे, उन्हीं सबका एग्जाम जो होगा फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं जो आपका सेकंड शिफ्ट का एग्जाम होता है, किसका सेकंड शिफ्ट का जो आपका एग्जाम होगा वो जैसे ही होता था वैसे ही होगा, कब से 2:30 PM टू 5:30 PM, इसमें किसी भी प्रकार का जो बदलाव नहीं किया गया है। तो जो एग्जाम टाइमिंग में आपका बदलाव किया गया है वो सिर्फ फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में किया गया है। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट पे, जो यूनिवर्सिटी के द्वारा गाइडलाइन दिया गया है, यूनिवर्सिटी के द्वारा यह बताया गया है कि अब जो पेपर होंगे, अभी जो होगा पेपर वो आपको सभी कार्य मतलब कॉलेजों पे यूनिवर्सिटी के द्वारा सभी कॉलेजों में जो पेपर होगा मॉर्निंग के टाइम 6:30 AM पे सभी कॉलेजों में पेपर सेंड कर दिया जाएगा, और वो भी दोनों शिफ्ट के पेपर, कौन है फर्स्ट एंड सेकंड दोनों शिफ्ट के पेपर एक ही साथ 6:30 AM पे कॉलेजों में भेज दिया जाएगा, जो नोडल अधिकारी और कॉलेज एग्जामिनेशन सेंटर जो होगा वहां पे पहुंचा दिया जाएगा। सेकंड और लास्ट थर्ड और लास्ट पॉइंट की बात करें, जो यूनिवर्सिटी के द्वारा गाइडलाइन दिया गया है कि जो पेपर 5:30 बजे खत्म होगा, उसके बाद जो कॉपी होगा यूनिवर्सिटी में जमा करने की जो टाइमिंग होगी 7:30 PM तक आपको कॉपी यूनिवर्सिटी में जमा करना होगा। तो यहाँ पे बात करते हैं ये दोनों पॉइंट आप सबके लिए नहीं है, ये सिर्फ ऑफिशियल वर्क के लिए है, ये कॉलेजेस के लिए, या न्यूज़ किसके लिए, कॉलेज के लिए है, उनको कब पेपर प्रोवाइड किया जाएगा और उनको कब कॉपी यूनिवर्सिटी में जमा किया जाएगा। आप सबके लिए जो इम्पोर्टेंट न्यूज आ रही है, आप सबके लिए ही इम्पोर्टेंट न्यूज है कि आपकी जो एग्जाम टाइमिंग 7:30 AM टू 10:30 AM हो रही थी, अब उसको बदल के 9 AM टू 12 PM कर दिया गया है। तो बच्चों ये रही बड़ी अपडेट आप सबके लिए यूनिवर्सिटी के द्वारा जुलाई गई है। तो वीडियो को जोरदार तरीके से लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और सभी फ्रेंड को ये शेयर करेंगे, क्योंकि अगर आप बाय द मिस्टेक, क्योंकि पेपर आपका नहीं, अगर आप इस पर ध्यान नहीं देंगे आप कितने बजे पहुंच जाएंगे 7:30 AM पे, बट आपका पेपर कितना बजे होगा 9 AM से। तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।